hi good good evening hello good evening everyone how are you all all good yes Is, can you all hear me clearly okay so guys um welcome i'm dr manali and welcome to known academy welcome to absolute biology so we would be discussing um okay let me just check from my end is it better now hi kiran kiran uh, is this your first lecture hapala lecture hai Okay. Hi Komal. Hello, guys. Okay. So we are going to start with a new topic. Before that, we'll just quickly go over a few things that were remaining from the last topic. Yes. Last topic is circulation. Yes. So see, we are going to discuss about circulation respiration and circulation yes and then we'll be starting with a new chapter of control and coordination which has a weightage of 11 marks yes yes bushra will do that today yes so now respiration i it has a weightage of eight of eight marks without um without option and 10 marks with option right and then the most weightage hai,

See, this chapter You will have a lot of MCQs, very short answers, and five mark questions. You will see that most of your questions are coming from this one topic. So we have to do this very nicely. Yes? So don't miss even a single part, single chapter, single class from this. Yes? So before starting this, let's just quickly finish off the small things that we were left with, right? सो यट यस ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर सो बिफोर वी गो टू दिस चैप्टर हमारा रेस्पिरेशन में एक लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में रह गया था राइट right? एक मिनट ओके okay, लिम्फैटिक के बारे में एंड वन मोर थिंग वॉज कोमल मुझे याद दिलाएगी कोमल मुझे भूलने नहीं देगी राइट right, कोमल कौन सा टॉपिक टॉपिक थिंक थिंक दो ही स्लाइड्स रह गए थे अपने बिकॉज कल वो ओवरडोस हो गया था यस ब्लड क्लॉटिंग राइट एंड अगेन दीज टू थिंग्स आपके रेस्पिरेशन सर्क्यूलेशन में से शॉर्ट क्वेश्चन आता है दे इवन आस्क यू टू एक्सप्लेन दिस फ्लो चार्ट यू हैव टू ड्रॉ द होल फ्लो चार्ट ओके So let's start with this. This is normally a two or three mark question where they will ask you to draw the whole flowchart and explain it. See, what do you mean by clotting? Yes, what is clotting? Clotting means basically whenever. Yes, you raj Yes. Atta ओके सी यस ब्लड का जमा होना दिस इज अ कैपिलरी से कुछ कट हो गया हो गया ठीक है इज अ कट द ब्लड विल बेसिकली गो देर एंड इट विल फॉर्म अ क्लॉट इज मोर लाइक यस इट विल बिकम सॉलिड परफेक्ट इससे क्या होगा कि ब्लीडिंग नहीं होगा बाहर ब्लड नहीं जाएगा एंड सेकेंड थिंग अगर बाहर कोई पैथोजन पा, है कोई बैक्टीरिया है तो वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा सो फॉर दीज टू थिंग्स क्लॉटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो वट आर द टू मेन रीजनस फॉर क्लॉटिंग फर्स्ट थिंग ब्लड लॉस इज रिड्यूस्ड एंड सेकेंड थिंग एनी पैथोजन एनी बैक्टीरिया कैन नॉट एंटर द ब्लड ओके तो इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है सबको लगा राइट जब भी हमको लगता है विद इन नेक्स्ट ट्वेंटी सेकेंड ब्लड थिक होने लगता है थिक लेयर आने लगता है राइट दैट इज अ क्लॉट

प्लेटलेट्स क्या करेंगे यस, प्लेटलेट्स टेम्परेरी पहले प्लेटलेट्स जाएंगे सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स क्या करेंगे इमीडिएटली दे विल रिलीज अ केमिकल एंड दिस केमिकल विल एक्ट एज एन एंजाइम ओके इट विल रिलीज समथिंग कॉल्ड थ्रम्बो थ्रोम्बोप्लास्टिन इसके लिए प्लेटलेट्स को अपन थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं क्योंकि वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं यस एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स सो टोटल अपने पास क्लॉटिंग 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं यू डोंट नीड टू रिमेम्बर ऑल ऑफ देम ठीक है एंड देन इट एक्टिवेट्स वन आफ्टर द अदर फाइनली योर एक्स फैक्टर एक्स इज एक्टिवेटेड एंड दिस एक्ट्स एस एन एंजाइम समझ आए यस

मोमेंट उसका केमिकल रिलीज होता है इट्स थ्रोबो प्लास्टिन ओके इट विल नाउ एक्टिवेट ऑल दी अदर केमिकल्स पूरे केमिकल्स के नाम हमें नहीं कर याद रखनेट अदर केमिकल्स फाइनली केमिकल एक्स करके होता है विच इज एक्टिवेटेड ओके एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो अपना क्लॉटिंग अच्छे से होगा इज इट फाइन

जब लगता है तो स्किन को स्किन कट होता है उसके नीचे के मसल्स कट होते हैं फैट है वहां पे कट हो रहा है फिर ब्लड बाहर आता है राइट right? तो ये जो बचे हुए टिश्यूज जिसको डैमेज हुआ दे विल स्टार्ट एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड बाहर से एक्ट कर रहे इसके लिए उसको एक्सट्रेंसिक पाथवे बोलते हैं इज इट फाइन गाइस यस एंड अगेन टिश्यूज विल स्टार्ट रिलीजिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों क्या करेंगे ब्लड में जो इनएक्टिव एक्स केमिकल एक्स है ब्लड में क्या है हमारे पास इनएक्टिव है क्योंकि हमें ब्लड में क्लॉट नहीं चाहिए तो वो इनएक्टिव को एक्टिवेट करते हैं एंड द मोमेंट दिसंग टू ये क्या करेगा एंजाइम का काम करेगा इट्स ओके इके रविशा सी तो अपने प्लाज्मा में दो प्रोटीन्स होते हैं प्रोथ्रॉम्बिन प्रो मतलब प्रीवियस पहले वाला है Immature thrombin. जैसे क्या क्या आता है, है, है? है, से thrombin बन जाता ठीक करेगा? अपने प्लाज्मा में और एक राइट right? ये fibrinogen है ना बेसिकली प्रोटीन uh, होता है डिजोल्व होता है जैसे इसमें थ्रोम्बिन आएगा ना इसके फाइबर्स बनेंगे ये फाइबर्स को अपन क्या बोलते हैं बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिबरिन एंड अभी प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स सब इसमें अटक जाते हैं एंड दैट इज अ अलॉट इज डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्विकली रिव्यू करते हैं एक्सट्रेंसिक रिव्यू एक्सट्रेंसिक पाथ कहाँ पे होता है आउटसाइड टिश्यूज को डैमेज हुआ है बराबर है दिस विल रिमूव टिश दिस विल ये क्या रिलीज करेगा टिश्यू थ्रम्बो बराबर है बाहर के जो टिश्यूज है ब्लड वेसल के बाहर यस यस ठीक है so, सो बाहर के जो टिश्यूज है उनको कट हुआ है मतलब अगर ये स्किन ब्लड वेसल है ठीक है ये हमारा स्किन है इधर फैट है मसल है तो ये पूरा इधर अंदर तक कट होता है बराबर है तो ये बाहर का जो एरिया है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहा है ओके और जो ब्लड वेसल यहाँ पे कट हुआ वो इंट्रेंसिक पाथवे होगा एंड इट विल एक्टिवेट मेनी डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने फैक्टर्स है right? तो दोनों जब आएंगे केमिकल एक्स एक्टिवेट होगा वेन बोथ दीज केमिकल्स कंबाइंड देन एक्स इज एक्टिवेटेड ये क्या करेगा अभी प्रोथ्रॉम्बिन से थ्राम्बिन बनाएगा ओके okay. थ्रोम्बिन क्या करेगा थ्रोम्बिन एक नया एंजाइम का काम करेगा अपने प्लाज्मा में जो फिब्रिनोजन है इट इज बेसिकली है, ओके, okay. अलग से दिखता नहीं है उसको पूरा थ्रोम्बिन उसके साथ कंबाइन होके बनाएगा, मतलब फाइबर्स बनाएगा और ये फाइबर्स जो है इसके अंदर क्या लॉक होता है प्लेटलेट्स एंड आरबीसी और फिर इट विल मेक अ क्लॉट समझा है क्या क्लॉट कैसे बना यस क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम वाम अपने को याद नहीं करने हैं डोंट वरी हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इससे एक डिसीज है कौन सा डिसीज है ब्लीडर्स डिसीज है तुम लोग को पता है क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में से हीमोफीलिया करके एक डिसीज है तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स उनमें नहीं है एक ही बीच का नहीं है ठीक है सो so इंट्रेंसिक से फैक्टर वन एक्टिवेट हो गया फिर टू थ्री ऐसे करके थर्टीन तक एक्टिवेट होते तो उन लोग में फैक्टर एट ही नहीं है तो आगे का पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है सो दे कैन नॉट फॉर्म क्लॉट्स इज इट फाइन गाइस अगर डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालो कौन सा पार्ट नहीं समझा है बताओ मेरे को कितने लोगों का आज फर्स्ट क्लास है रोहन माला क्वेश्चन नहीं समझला समझलास yes? हार्ट ओटी के बाद असट्रॉम लॉन्ग लाइफ क्यों? क्यू ओके ओके सी एक तो रीजन होगा कि क्लॉट्स नहीं होने चाहिए हाउ कैन सम एनिमल्स डिक्रीज दर हार्ट बीट ओके गुड क्वेश्चन सी अपना जो हार्ट है ना मायोजेनिक है मसल्स खुद काम करते खुद से कंट्रोल करते कुछ कुछ एनिमल्स का हार्ट न्यूरोजेनिक है तो ब्रेन कंट्रोल करता है Okay. So, जब ब्रेन कंट्रोल करता है सो दे कैन यूजिंग दर थॉट प्रोसेस अफेक्टेड रोहन शॉर्ट फॉर्म नहीं समझ में आएगा मेरे को प्रेम समझा यस अपना जो है ना ऑटोमेटिक है अपन कंट्रोल नहीं करते बट कुछ कुछ एनिमल्स का ब्रेन कंट्रोल करता है ओके ओके फाइन गाइस ओके नाउ मूविंग ऑन टू ब्लड एंड लिम्फ तुम को मैंने ब्लड और लिम्फ कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब एक के बाद एक दूसरा ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे पहले फैक्टर वन उससे टू फिर उससे थ्री ये टू है ना थ्री के लिए एंजाइम का काम करेगा तो वो एक्टिवेट होगा फिर थ्री से फोर एक्टिवेट होगा समझा एक के बाद एक कंटिन्यूस एक्टिवेशन होगा समझा तुम लोग को स्कूल में होता तो पता है क्या um, एक एक पैराग्राफ पढ़े वाचा एक आनी वाचल की तो बसना मैं उब रहा देन यू हैव टू रीड सेट डाउन देन द थर्ड वन काइंड ऑफ लाइक दैट समझा एक के बाद एक एक्टिवेट होते दे डू देर फंक्शन सेटल होते हैं नेक्स्ट वाला केमिकल विल वर्क ओके इज इट ओके रोहन आई होप यू आर फाइन यस ओके गाइस लेट्स ट ब्लड और लिम्फ क्या फर्क है ब्लड किधर होता है ब्लड इज ऑलवेज इन द ब्लड वेसल्स यस फिर मैंने बोला ब्लड वेसल से यू हैव कैपिलरीज एंड प्लाज्मा कैन गो आउट बराबर है ना जो लिक्विड पार्ट है वो बाहर जाता है एंड कौन से सेल्स बाहर जाते हैं कौन से सेल्स थे मैंने कल दिखाया था ऐसे वियर्ड शेप वाले वेरी गुड प्रेम डब्ल्यू बी सी आउट तो इसको अपन बोलेंगे तो टिश्यू फ्लूड बोलेंगे ब्लड का कलर है रेडिश प्लाज्मा लिम्फ इज प्लाज्मा दट इट इज येलो ओके ये एम सी क्यू आता है बहुत बहुत कॉमन है एमसीक्यू नेक्स्ट पॉइंट ब्लड हैज प्लाज्मा एंड ऑल दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब सेल्स रेड ब्लड सेल्स है व्हाइट ब्लड सेल्स है थ्रोम्बस सॉरी प्लेटलेट्स है बट लिम्फ में क्या है रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स प्रोटीन्स कुछ भी नहीं है राइट सो इट इज ब्लड माइनस रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन डिड यू अंडरस्टैंड और यू कैन से दैट इट इज प्लाज्मा प्लस डब्ल्यू बी सी दोनों का मीनिंग सेम ही है यस yes, यस yes. सिर्फ डब्ल्यू होते, बाकी कुछ नहीं होगा उसमें All good? Blood flows through blood vessels. Lymph क्या होगा? Pellet, सब ओके okay, जिसको नहीं समझा प्लीज डाउट पूछो ओके okay, लिम्फ में क्या होगा ये जो तुम्हारा लिम्फ फ्लूड है ये सब धीरे धीरे एक दूसरे से बाइंड होके एकदम थिन वेसल्स बनाएंगे जिसको बोलेंगे ओके नो 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 डब्ल्यू इज व्हाइट, एरिथ्रो इज रेड डब्ल्यू वाइट बी सी मतलब ल्यूकोसाइट्स, सी हार्ट है ब्लड क्या होगा सिर्फ ऐसे हार्ट से ब्लड वेसल्स में जाएगा बाहर जाएगा क्या कहा नहीं बट इसका जो लिक्विड पार्ट है जो लिक्विड पार्ट है, कैन गो आउट ओके एंड कौन से सेल्स सिर्फ डब्ल्यू जाते हैं बाकी तुम्हारे प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एवरीथिंग इज इन द ब्लड वेसल ओनली सो दिस फ्लूड नाउ इज कॉल्ड एज लिम्फ समझा है क्या यस, yes. जब सूजन आती है ना नॉर्मली वो लिम्फ होता है ओके okay, लिम्फ रह जाता है ओके एंड लिम्फ विल स्लोली कंबाइन सारे सेल्स से धीरे धीरे पानी वेस्ट सब लेके ऐसे छोटी छोटी वेसल्स बना के आएगा एंड इट विल गो एंड अटैच योर अंडरस्टूड इट विल अटैच विथ अ पार्ट कॉल्ड थोरासिक डक यस रोहन राइट एंड ये थोरासिक डक कहाँ पे जाएगा इनफीरियर भी में जाएगा समझा तो जहां जहां पे फ्लूड गया हमारा स्वेलिंग आ गया है हाथ में पैर में वो सारा हम लोग मसाज करते हैं तो निकल जाता है राइट right? स्वेलिंग तो वो पूरा लिम्फ वेसल्स में चला जाता है समझाता समझा सबको वेरी गुड गाइस यस वेरी गुड अजीत तो ये जो डिस्टिंग्विश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड एंड लिम्फ का एंड उसके अलावा एमसीक्यू कौन सा इम्पोर्टेंट है मैंने बोला ये वाला What is lymph? ये जो तीन पॉइंट्स है ना ये पूछते so, blood कहां से से जाएगा? एक से, दूसरे ऑर्गन हार्ट से लिवर लिवर से इंटेस्ट्रा, uh, से लिवर, लिवर से हार्ट हार्ट टू लंग्स राइट बट ये किधर है हर एक घर जाएगा हर एक सेल के पास जाएगा एनी डाउट्स इन लिम्फ एनी डाउट्स उटर This was the last part. So now we'll start with your um, nervous system. Again, I'm telling you, ek bhi lecture miss mat karo ye do chapters matlab tumhare 22 marks out of 70, that is almost kitna percent, कितना one third से ज़्यादा तो तुम्हारे दो chapters में हो गया। बराबर है। अच्छे से ये chapters करने। So what are we going to learn today? नर्वस सिस्टम होता क्या है क्यों होता है वाई डू वी नीड ब्रेन फिर लोअर एनिमल्स का नर्वस सिस्टम एंड द डिफरेंट सेल्स एंड एंड टिश्यूज इन नर्वस सिस्टम। यस? में मैं तुम्हें रेस्पिरेशन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी सारे एंड में जब तुम्हारा सर थोड़ा सा मतलब नया इंफॉर्मेशन जाएगा नहीं थक जाओगे दैट टाइम आई गिव यू ब्रेक एंड आई टेल यू ऑल द ऑफ रेस्पिरेशन Yes, all, all good. मुझे किसने होमवर्क किसने किया कितने लोगों ने होमवर्क किया ओके वेरी गुड कोई डाउट है तो मुझे प्लीज बताओ वेरी गुड अजीत ओके आज मैं थोड़े एमसीक्यू से एड किया मैंने अभी सो यू कैन जस्ट गो एंड ट्राई दोस की कितना समझ में आता है ओके डी ऑक्स बट टू हार्ट यस येस Pulmonary vein, deoxygenated blood. Na, pulmonary vein, oxygenated. Okay. Now, respiration part. Let's concentrate on nervous. Why do we need control and coordination? Look, unicellular animals, they have a nice big nucleus which can control everything. But for us, we have millions of cells. Yes or no? So, we need a central organ. एक ऐसा चीज जो हर सिस्टम को कंट्रोल करे हर ऑर्गन को कंट्रोल करे हर सेल को कंट्रोल करे बेसिकली अपना बॉस घर पे कैसा वो बिग बॉस होता है ना काइंड ऑफ लाइक ओके तो हूज आर बिग बॉस ब्रेन राइट रोहन ऑल वेन्स कैरी डिऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन ओके नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर चलो

store the water yes it will maintain internal environment constant okay now plants plants may hota hai kya Pl plants may brain hota hai Nain. but they do have a chemical system they have some hormones for control okay your hormones ko bolte hai phytohormones फाइटो मतलब प्लांट सो so, इसके जब वो प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर है उसमें अपन सारे उसके हार्मोन्स पढ़ेंगे यस बट दे डोंट हैव अ ब्रेन अभी आते हैं एनिमल्स लास्ट ईयर किंगडम एनिमल या पढ़ा था हमने सो so, सबसे पहले था पोरिफेरा स्पंजेस ऐसा कुछ तो गंदा सा गंदा नहीं ऐसे स्पंजेस होते राइट यस आकांक्षा राइट सो दे हैव इंडिविजुअल सेल्स जस्ट स्टेइंग टूगेदर सारे सेल्स एक साथ रह रहे बट काम अपना अपना करते है बराबर yes? है ये बीस रूपए कप पानीपुरी खाया ये मेरे बीस रूपए ऐसा करते हो ना ग्रुप में जाने का लेकिन अकेले अकेले का पे करने का वैसा समझा सो पोरी फेरी भी वैसा ही है इट स्टेज इन अ ग्रुप इट इज जस्ट अ सेल्यूलर एग्रीगेशन मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स बट इट फंक्शन ऑन इट्स ओन हर सेल अपना मर्जी का मालिक है सो दे डोंट नीड नर्वस सिस्टम ऑल गुड फिर नर्वस सिस्टम आता कहाँ पे है ये yes. सेकेंड वाले में सेकेंड होता है निडारिया बराबर है और उसको ही बोलते हैं सिलेंटर आटा तो इसका एग्जाम्पल तुमने पढ़ा होगा हाइड्रा लास्ट ईयर पढ़ा है किसी ने हाइड्रा उसका वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअ रिप्रोडक्शन है ना टेंट राइट सो हाइड्रा हैज़ द मोस्ट प्रिमेटिव नर्वस सिस्टम प्लीज मार्क दिस एन एमसीक्यू ओके नीट के लिए भी ये बहुत बार आया है ट्वेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है यस हम्म सॉरी ओके So, सबसे पहले नर्वस सिस्टम किसके पास आया तो हाइड्रा के पास आया राइट एंड इन नर्वस सिस्टम इट शोड टाइप मतलब फुल स्प्रेड आउट है। it had two cells, तो बाहर की तरफ पूरे सेंसरी सेल्स है पूरी बॉडी पे ओके okay? तो कोई भी आजू बाजू डेंजर आया इमीडिएटली पता चलता है एंड इन साइड दे हैव न्यूरो डिड यू अंडरस्टैंड इसको बोलते हैं नर्व नेट तो क्या है बाहर कौन से सा अगर उसको लग रहा है यहाँ पे खाना है जैसे ये फूड उसके सेंसरी सेल्स को टच हो गया ना हर जगह शॉक लगेगा उसको झटका लगेगा सारे नर्व साथ में एक्टिवेट होंगे अपना कैसा होता है देखो ऊपर ब्रेन है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड और ये सब है राइट सो सिग्नल या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है राइट इट इज नॉट एवरीवेयर सडनली शॉक नहीं लगता है अपनी बॉडी में बट हाइड्रा को क्या होता है शॉक लगता है समझा एवरी नर्व गेट्स एक्टिवेटेड एंड हर जगह से वो हिलेगा और पकड़ने का कोशिश करेगा वो फूड को डिड यू अंडरस्टैंड दिस यस इसको बोलते हैं इट इज इन अ डिफ्यूज्ड मैनर ओके नाउ थ्रू आउट द बॉडी एंड मूवमेंट ऑफ ना तो किधर भी मूव करेगा फटाफट से हाथ पैर इधर मारने लगेगा नाउ इट हैज टू नर्व नेट्स मतलब क्या है ये अगर मैं ऐसा उसको कट करूं और अपन चेक करते उसको ये उसका तुम्हारा कैविटी सीलम जो थोड़ा बहुत उसके पास होता है ओके okay. उसके पास दो ही लेयर्स है किसी को याद है क्या हाई मोहम्मद आफ्टर मेनी मेनी डेज वाई किधर गए थे भाई यस yes, किधर गए थे चलो सो so, इसके पास जो बीच का ये लेयर है ना इसको डेड लेयर अपना कैसा था एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडम इनके पास सिर्फ दो है एक्टोडर्म में और अंदर में समझा सो दे जाएगा एक्टो तो की तरफ या अंदर आएगा मेरा टाइमिंग रॉन्ग है ना मोहम्मद मैंने कुछ ट्राई कर रही हूँ मैं देख रही हूँ ठीक है लेट्स सी क्या होता है यस बायो भी इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है okay so what happens they have two nerve growths they get two nerve nets Ek bahar the dusra and right so did you see the offline lectures or no Mohammed? okay see one is connected to the epidermis and other is to the gastrodermis matlab and did you understand nervous system in hydra any doubts anywhere ओके ग्रेट मोहम्मद कुछ भी डाउट से प्लीज पूछो मीसोग्लिया मींस क्या डर्मिस इज लेयर डर्मिस मतलब स्किन सी ये जो मिडल वॉल है ना इधर एक डेड टिश्यू काइंड ऑफ है ओके इट इज नॉट अ कनेक्टिंग थिंग इट्स नॉट अ मीजोडर्म तो एक नॉन इट्स बेसिकली इट्स नॉट गोइंग टू ग्रो नॉट ग्रो ओके काइंड ऑफ लाइक डेड उसको मीजोग्लिया बोलते समझा यस ऑल गुड ओके आई होप हाइड्रा वाला पार्ट पूरा समझा है प्लीज आके देखो पढ़ो छोटा क्वेश्चन है खत्म कर लो इसके बाद आते हैं अपन प्लाती हेलमेट्स में जिसमें मिलेगा प्लेनेरिया ऐसा इमेज है ना नहीं मैं एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा रही हूँ मैं नर्वस सिस्टम पढ़ा रही हूँ और तुम्हारे ट्वेल्थ के नर्वस सिस्टम में ये दो एनिमल्स के बारे में है ओके दे विल आस्क यू अ शॉर्ट नोट ऑन देम ओके नाउ नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया ठीक है देखो इसका इट इज मच डेवलप्ड इसके पास ना ब्रेन है ये दिख रहा है कैसा यू शेप्ड शेप्ड यस सो इट हैज अ ब्रेन यू का गैंग्लियन व्हाट डू यू मीन बाय गैंग्लियन गैंग्लियन का मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल्स ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स समझा जो तुम्हारे न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है ना सारी यस यस रविशा ओके Now, इधर से थोड़े वो व्हाट uh, like so, so, विल है देखो एनी वेर एनी थिंग समझो एक सिग्नल समझो इधर गया मेरा कलर हाँ इधर एक सिग्नल आया फटाफट से वो जाएगा ब्रेन के पास डायरेक्ट कनेक्शन है शॉक नहीं लगने वाला है इसको एंड उसका रिस्पॉन्स भी फटाफट से वापस आएगा डिड यू अंडरस्टैंड दिस यस एनी डाउट ओके ग्रेट नाउ सो इट हैज सेरिब्रल गैंग्लिया मतलब इधर दो ऐसे ब्रेन के जैसा है एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वेंट्रल मतलब आगे की तरफ मुंह की तरफ यस रोहन परफेक्ट यस एंड दे हैव नर्व है इसके अलावा इधर एंड में बाहर सेंसरी सेल्स है एनी ओके एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर आईज़ आर डेवलप्ड ओके आईज़ आर इन फोटोसेंसरी स्ट्रक्चर्स है ठीक है बेसिकली आगे की ब्रेन uh, आगे की तरफ है और इसके पीछे सर के ऊपर दो आई लाइक स्ट्रक्चर है ऑल गुड एनी डाउट्स यस Planaria से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हाइड्रा है राइट नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग न्यूरो स्ट्रक्चर क्या होता है अगेन अब ये गारंटेड डायग्राम आता ही आता है यस yes? या फिर एक टू मार्क्स क्वेश्चन आता है टू एक्सप्लेन अ न्यूरोन ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड न्यूरोग्लियल सेल्स में से एमसीक्यूज आएंगे ज्यादा नहीं उसमें से भी मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगी डोंट वरी सॉरी एनी डाउट स्टिल योर किसके दिमाग से ऊपर से जा रहा है फुल बाउंसर यस ओके कोमल कौन सा पार्ट कोमल प्लीज टेल यस विच पार्ट हाइड्रा वाला प्लेनेरिया वाला बोलो प्लेनेरिया एक बार ओपन और एक बार पढ़ते कोमल को समझाते चलो अजीत थर्टी परसेंट कौन सा पार्ट नहीं समझा बोलो प्लीज एक तो दिमाग में ना तुम लोग ने फिट कर लिया ये लेक्चर ये लेसन मतलब दिमाग के ऊपर ही जाने वाला है ऐसा नहीं है ठीक है अगर नहीं समझता है टेल मी आई विल एक्सप्लेन यू रेस्पिरेटरी और सर्कुलेशन समझा के नहीं वो तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर था है ना तो फिर ये भी समझेगा ओके सी ये प्लेनेरिया है बराबर है कोमल लिसन इधर ब्रेन है इसको बोलते हैं सेरिब्रल यस नथिंग इज़ डिफिकल्ट उसका सिर्फ का पता चलना चाहिए समझा है क्या सेरिब्रल गैंगलिया एक इस तरफ एक इस तरफ इधर तक ठीक है कोमल देन आगे की तरफ यू विल हैव दीज कॉर्ड्स आगे है ना मुंह की तरफ है तो वेंट्रल कॉर्ड्स बोलेंगे इसको यस देन दीज वेंट्रल कॉर्ड्स आर कनेक्टेड विथ अदर अभी ठीक है एंड योर आउटसाइड दे हैव दोनों तरफ क्या है सेंसरी सेल्स है इज इट इजी नाउ यस कोमल और किसको नहीं समझा बोलो ओके okay, अजीत अभी तुझे डाउट विचार माला चल कोणता पार्ट नाही समजला सांग मला आपण थर्टी पर्सेंट हंड्रेड ला आणू चला येस अजित अजित सोच रहे, मैं मी से शुरू करू अभी समजला रवीशा व्हेरी गुड हेच होतं का डाउट म्हणजे तुझा पण हंड्रेड पर्सेंट झाला ना मग ओके परफेक्ट चलो यू सो मच प्लीज गो एंड फुट दॅट ऑन द ग्रुप तो दूसरों को भी पता चले ना तो लोग मेरा लेक्चर अटेंड करे ग्रुपन yes? अपना जो ट्वेल्थ बायोलॉजी ना यू कैन गो एंड पुट क्योंकि बैंड तो सबकी है बायो तो सबने छोड़ दिया ना राम भरोसे भगवान भरोसे जो होना है देखा जाएगा नाइट मारेंगे ओके गाइज लेट्स कंटिन्यू चलो ओके okay? <coughs> अभी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ़ नर्वस सिस्टम। इट इज देयर एवरीवेयर पूरे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में तुम्हारे नर्व्स में हर जगह है ओके नाउ दिस इज ये तो टेंथ स्टैंडर्ड से रटा है हुआ डायग्राम है सब लोग को पता है राइट है ना टॉपिक है आज का ज्यादा हेवी नहीं है कुछ ठीक है अभी चार दिन से बहुत बॉम्ब डाल रही थी ना तो मैंने थोड़ा बच्चों को थोड़ा लाइट लेते हैं थोड़ा इजी लेते आज ऐसा दिखता है बीच का जो पार्ट है साइटोन ओके ये वाला जो पर्पल स्ट्रिंग्स आ रहे हैं ना डेंड्रॉन एंड यहां लंबा दिस इज लंब, एक्सॉन यस सो में क्या क्या है तीन चीजें है यस इट इज लॉन्ग नॉट लार्ज लॉन्ग ओके साइटॉन डेंड्रॉन एक्सॉन तो अपन हर एक चीज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज अ मार्क क्वेश्चन डायग्राम या फिर शॉर्ट नोट आना ही आना है यस सो साइटॉन क्या क्या है साइटॉन में सी इट हैज द सेंट्रल न्यूक्लियस उसके अलावा न्यूक्लियोलस है बराबर है न्यूरोप्लाज्म मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम से क्यों है इट है है। ओके लेकिन ये राइबोसोम्स क्या करते दे मेक एन मेक एन एंजाइम। यस दे हैव दट एंजाइम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अरेन्जमेंट है उसको राइब rib... ये बोलते है? क्या बोलते हैं यस, एंड ये एंजाइम क्या करेगा ये न्यूरो बनाएगा न्यूरो क्या है न्यूरो मतलब ब्रेन सॉरी न्यूरो मतलब तुम्हारा न्यूरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वो क्या? एक सेल से दूसरे सेल पे लेके जाएगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाएगा वो केमिकल है समझा तो ये न्यूरो कौन बनाता है निस्सल्स ग्रेन्यूल डिड यू अंडरस्टैंड दिस यस नहीं समझा ओके okay. yes, न्यूरॉन है ऐसा है इधर नीचे और एक न्यूरॉन है ओके okay. अभी ये ऊपर वाला जो न्यूरॉन है ना इसको अभी अभी मेरे हाथ हाथ का एक मैसेज आया एक इम्पल्स आया कि चलो अपने हाथ को एक चीटी काटिए. There is an ant and we have it's it's biting me. अपने को के लेने का राइट सो वी फटाफट से सिग्नल इलेक्ट्रिक शॉक के जैसा नर्व में से अंदर से जाता है या फिर ऐसे ऊपर से जाता है हु? इधर क्या होगा नाउ यू कैन सी there इज अ गैप तो ये गैप में इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी तो यहाँ पे ना थोड़े केमिकल्स होते है ये केमिकल्स आ जाते हैं नीचे एंड ये केमिकल्स आगे जाते हैं दे गो एंड दे टेल द नेक्स्ट न्यूरोन के अरे एंट काट रहा है चलो आगे बताओ इन्फॉर्मेशन देन अगेन इधर इलेक्ट्रिक इम्पल्स होगा यस डिड यू अंडरस्टैंड सो ये जो केमिकल जो जा रहा है ना ये जो केमिकल बन रहा है दैट इज न्यूरो विल कम टू दैट कम टू दैट रोहन ठीक है अभी वो नहीं बता रही हूं मैं समझा तो न्यूरो मतलब इंफॉर्मेशन ब्रेन का इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है तो ये केमिकल बनाता कौन है Nistles, बनाते अभी समझाए क्या ऑल गुड सबके दिमाग में इक्वली गया थोड़ा थोड़ा मिल बांट के चलो यस yes. नहीं समझा रविशा ओके okay. जिसको अगर नहीं समझा उसको कल मैं साइन एप सिखाने वाली हूँ अच्छे से तो साइन ऐप समझेगा तो उधर समझ में आएगा डोंट वरी ओके यस तो वो केमिकल है ये केमिकल सिर्फ बनाते ग्रेन याद रखो नहीं, नहीं, नहीं कोमल अलग होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है ना अरे हाँ सॉरी सॉरी मैंने अलग बना दिया ना हाँ सॉरी सॉरी अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है यस यस सॉरी मैंने वो कवर नहीं डाला उसके ऊपर ओके गाइस

ओके okay, गैंग्लिया क्या होता है वी आर लेफ्ट विद गैंग्लिया अभी क्या होता है इन ब्रेन समझो ये ब्रेन है और नीचे ऐसा स्पाइनल कॉर्ड है, है बराबर है ना सो ऑल द सेल बॉडीज सारे साइटॉन्स ऐसे साथ में रहते हैं और उसके सारे एक्सॉन्स नीचे जाते हैं अंडरस्टूड सो दिस ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ग्रुप ऑफ साइटॉन्स इज कॉल्ड एज गैंग्लिया डिड यू अंडरस्टैंड वॉट इज अ गैंग भी जहां पे भी साथ में आ रही है ना वो तुम्हारा गैंग लिया हो गया yes? Perfect. Function of dendron, I'll come to that. अभी वहां पे ही जा रही हूँ चलो तो अपन ने पहला चीज साइटॉन समझ लिया अभी साइटॉन के एक तरफ यू हैव अ लॉन्ग कनेक्शन लॉन्ग थ्रेड कॉल्ड एक्सोन एंड दूसरी तरफ ने ऐसे स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं दीज आर कॉल्ड एज डेंड्रॉन्स ये क्या करेंगे पता है क्या बाजू वाला जो सेल है ना उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे अपने कड़े से कसा कान गोष्टी चलता एक ने बोला तो बाजू वाले तो पत्ता चल जाते हैं अरे ये इधर थी ये उधर कर मिला मेरे को कुछ भी गॉसिप होता है ना वैसे ही जो भी इंफॉर्मेशन है फटाफट एक Dendrons मतलब वाटस इंफॉर्मेशन मिल रहा है सारा इंफॉर्मेशन फटाफट रिसीव करेगा सेल को बोलेगा देखो यहाँ पे मुझे चीटी काट रही है यहाँ पे लेक्चर चल रहा है मनाली मैम का आवाज आ रहा है यहाँ पे मनाली मैम कुछ ड्रॉ कर रही है मुझे वो भी दिख रहा है ऑल दी इंफॉर्मेशन आई एम ब्रीदिंग आई एम टॉकिंग पीछे से मम्मा ने खाना अच्छा बनाया मुझे स्मेल भी आ रहा है खाने में क्या होगा मैं वो भी सोच रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और अपने सेल को भेजेगा अंडरस्टूड यस डिड यू अंडरस्टैंड द फंक्शन इट ट्रांसमिट्स द मैसेज टूअर्ड साइटॉन आई मेन नहीं रेटिना में होता है लेकिन यस yes, तो पूरे जिधर जिधर जो भी सेल है ठीक है अगर स्किन सेल है तो वो स्किन के बारे में बताएगा जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है एंड इट विल टेल द सेल देन द सेल विल डिसाइड डिसाइड करेगा इंपॉर्टेंट क्या है आजूबाजू का छोड़ मनाली मैम का लेक्चर कंसंट्रेट करो बराबर है तो फिर वो आगे सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन भेजेगा कि मनाली मैम का लेक्चर चल रहा है ऑल गुड यस इट विल रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर्स फिर एक्सॉन क्या करता है एक बार सेल ने उसको बोल दिया बस एक्सॉन वही इंफॉर्मेशन आगे ढकेलता है अंडरस्टुड सो डेंड्राइट्स आर ब्रांच्ड जो पहर, यहां पे डेंड्राइट्स ना, बहुत बहुत से उसको गॉसिप चाहिए। बट एक्सॉन क्या होता है लॉन्ग एंड अनब्रांच है यस इट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ये जो पॉइंट है ना जिधर से वो स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सॉन हेलॉक एंड इट हैज मेनी फाइबर्स अभी अगर इम्पल्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स लेके जा रहा है इलेक्ट्रिक सिग्नल लेके जा रहे है तो वायर होंगे ना तो वो सारे वायर्स से बना है एंड इट्स गोइंग टू फॉर्म टेलोडेंड्रॉन्स बोलते ठीक है ये क्या है टेलोडेंड्रॉन्स है एंड पे एंड कभी कभी इधर साइड से एक बाजू में भी कुछ इंफॉर्मेशन के लिए दूसरा साइटॉन आ सकता है दूसरे डेंड्रॉन आ सकते हैं दिमाग में जा रहा है ऑल गुड कौन सा पार्ट नहीं समझा एक्सॉन विच पार्ट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड यस एक्सॉन वापस समझाओ इट इज तो उससे ना एंड में सिर्फ ब्रांचेस आएंगे ऐसा नहीं कि इधर उधर पेड़ के जैसा सब लहराते हुए ब्रांचेस नहीं होने वाले समझा मेन उसका जो प्रोसेस uh, है एंड में वो ब्रांच होगा समझा और इधर बाजू में न्यूरॉन्स हो हैं जिसका डेंड्राइट अटैच है सो दे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम अभी ठीक है टेलोडेंड्रॉन ये है दीज आर टेलोडेंड्रॉन टिलो मतलब टर्मिनल एक्सॉन के एंड में जो ब्रांचिंग हो गई ना उसको टीलोडेंड्रॉन बोला इज इट फाइन न्यूरोस न्यूरोन इज बेसिकली ऐसा वायर रहता ना वायर के अंदर नहीं वो रेड ग्रीन पिंक सब वायरस मिक्स करके ऐसे आते है तो वैसे ही फाइबर्स होते हैं विच आर टूगेदर एंड दे फॉर्म देट एक्सॉन तो वो फाइबर्स को अपन न्यूरोफाइब्रल्स बोलते हैं, ऑल गुड और क्या डाउट है बोलो हाँ, एक्सॉन के बाद नया न्यूरॉन आएगा उसका भी सेम चीज उसका डेंड्राइट उसका साइटोन उसका एक्सॉन फिर उसके बाद ऐसा लंबा चेन बनता है समझा ऐसा ट्रेन के डब्बे कैसे होते हैं ना एक के बाद एक वैसा ओके नाउ दिस एक्सॉन कैन कनेक्ट टू असल इधर मसल हो सकता है स्किन हो सकता है ग्लैंड हो सकते हैं या दूसरे दूसरा न्यूरॉन भी हो सकता है इट कैन अटैच टू लेट मी फिनिश दिस ओके एक्सोन एक्सोन विल कैरी द मैसेज अवे फ्रॉम दिस जो भी इंफॉर्मेशन है ना सेल ने बोला मनाली मैम का लेक्चर है सुनो तो वो इतना ही इंफॉर्मेशन आगे लेके जाएगा यस ओके रविशा वांट्स टू नो ग्रैन्यूल्स क्या थे तो सेल के अंदर साइटोन के अंदर जो छोटे छोटे राइबोसोम्स है ओके वो राइबोसोम्स दैट इज मेड द एंजाइम व्हिच दे मेक दैट इज टुगेदर वो अटैच्ड है उसको ग्रैन्यूल बोलते हैं अंडरस्टूड बेसिकली वो राइबोसोम्स ही है बट बिकॉज दे आर स्पेशल इन न्यूरॉन दे वर्क ओनली टू मेक द न्यूरो ट्रांसमीटर उसको नाम दिया है नेान्यूल ऑल गुड चलो ओके नेक्स्ट न्यूरोलेमा तो नाउ ये जो मेरा न्यूरॉन है डेंड्राइट ये एग्जॉन टिलोडेंड्रॉन ऐसा राइट तो इसके ऊपर जो कवरिंग होगा ना एकदम पतला कवरिंग होगा जो हर न्यूरॉन के पास होगा

इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंचेगा नहीं तो अगर ये नहीं होता तो मैं लेक्चर आज बोल रही हूँ, तुम्हारे ब्रेन को कल समझता ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन कल पहुंचती, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और नो? पहुंचतीस सो दिस येलो कलर शीत इज माइलीन शीत एंड इट इज बेसिकली मेड ऑफ फैट ओके मतलब अपना घी कैसा तूप ऐसा थिक क्लियर होता है ओके okay. और बीच बीच में ना वो दैट इज एपेंट जिधर वो न, आ, नहीं है वहां पे तुम्हारा इम्पल्स आएगा एंड दिस पॉइंट वेर यू डोंट हैव द शीत उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको किसको पता है नोड ऑफ रणवीर रणवीर नहीं रैनवीअर ठीक है नोड ऑफ रैनवीअर समझा ऑल गुड अभी जो जो सेल्स के पास ये माइलिन शीत है उसको बोलेंगे मेड्यूलेटेड नर्व्स और माइलिनेटेड नर्व्स और जिनके पास ये नहीं है वो बहुत स्लो काम करेंगे मतलब आराम से चल रहा है धीरे धीरे हड़ु हड़ू गाड़ी चालू है बराबर है उसका सिग्नल कैसे जाएगा देखो ऐसे 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 मतलब कल तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगा उनको बोलेंगे नॉन मेड्यूलेटेड नर्व्स यस, डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मेड्यूलेटेड एंड नॉन मेड्यूलेटेड चलो फटाफट से लिखते डिफरेंस मेड्यूलेटेड के पास क्या है माइलिन शीट है और नॉन मेड्यूलेटेड के पास नहीं है मेड्यूलेटेड फास्टर कंडक्शन करता है स्लोअर। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है होता क्या है

हाँ मैम हाथ जल जाएगा बराबर है पर वो ब्रेन को पता नहीं चला तो थोड़ी ना मेरे को पता चलेगा हाथ जल गया जब तक ब्रेन नहीं बताता तब तक हमें समझता नहीं है कि हाथ जला है दिख के भी नहीं समझेगा समझा ओके ए एन एस जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ट है हार्ट को अपना ए एन एस शॉर्टकट्स नहीं शॉर्टकट सॉरी कोमा क्या होता है अच्छा कोमा क्या होता है ना अच्छा, हाँ. yes. okay. uh, जो आकांक्षा मुझे पूछ रही है वो बेसिकली एपिलेप्सी के बारे में राइट right? तो उसमें क्या होता है जैसे हाइड्रा में हो रहा था ना का kind of, यस yes, जय महाराष्ट्र हाथ जलता ही रहेगा सी आकांक्षा मुझे पूछ रही है कि वो जब फिट ये थे, एप, होता है तो क्या होता है तो जो हाइड्रा में हो रहा था ना शॉक लगा वो अपने ब्रेन में होता है ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है हर जगह से उसको सिग्नल्स आ रहे हैं उसको हर एक चीज इंपॉर्टेंट लग रही है ब्रेन को ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है मैं कॉन्सेंट्रेट करूं तो वो क्या करेगा स्टॉप करेगा कुछ इंफॉर्मेशन अंदर आने ही नहीं देना है अंडरस्टूड इनवॉल्ट्री फिज यस अभी ए एन एस देखो ए एन एस का एक पार्ट अपने हार्ट बीट बढ़ाता है हार्ट बीट स्टॉप भी करता है राइट कंट्रोल करता है तो ये बहुत स्लो है नॉन मेड्यूलेटेड है अगर मेड्यूलेटेड होता तो कुछ भी न्यूज आई कुछ भी न्यूज आ गई चलो रणवीर कपूर ने शादी कर ली धड़ाधड़ हार्ट स्टॉप हो जाएगा राइट वी डोंट वॉन्ट दैट है. अच्छा है, समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है ओके गाइस न्यूरॉन, अभी आते हैं न्यूरॉन के आजू बाजू के सेल्स सो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, सब जगह न्यूरॉन आर द मेन यूनिट्स बट उसको सपोर्ट भी होना चाहिए ना थोड़ा खाना खिलाने वाला स्माइलिंग शीत बनाने वाला डब्ल्यू उसको फाइट करने वाले प्रोटेक्ट करने वाले ऑल दो सेल्स डिड यू अंडरस्टैंड यस उनको बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स सो सबसे पहले होता है ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है ब्रेन में होगा ऑलिगोडेंड्रोसाइट मतलब क्या है ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उसके आजू बाजू ये ऐसा ग्रो होगा और ये क्या करेगा ये माइलिन शीत बनाएगा न्यूरॉन खुद कभी माइलिन शीत नहीं बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मेक दैट डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो वो एमसीक्यू आएगा ओके okay, चलो नेक्स्ट माइक्रोग्लिया नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ये बेसिकली क्या है अपने डब्ल्यू है डब्ल्यू क्या करते हैं वट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बी सी फाइटिंग आर्मी तो अभी अच्छा खासा मेरा न्यूरोन है बट समझो कि लेट से ये बैक्टीरिया उसके पास जा रहा है सो so, क्या होगा फटाफट से मेरी आर्मी आके उसको खा जाएगी येस और नो समझो ये न्यूरॉन है एंड इट इज नॉट वर्किंग इतना पार्ट इज डेड तो फटाफट डब्ल्यू बी सी आके उसको क्लियर कर देगा अंडरस्टूड यस yes. ये सब इजी है फालतू चीज है

राइट right? इधर हमने बोला था ना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया एक बार काम हो गया तो उसको क्लीन भी करना पड़ेगा ना तो वो क्लीनिंग का काम कौन कर रहा है एस्ट्रोसाइट्स कर रहे हैं यस यस गाइस इट मेंटेन्स ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ब्रेन है ना उसके अंदर ब्लड कभी नहीं जाता है ब्लड इज लाइक दिस ऑन टॉप ऑफ इट इट इज बिलो इट एंड बीच में होते तुम्हारे एस्ट्रोसाइट्स, ओके, okay. तो समझो यहाँ पे ऑक्सीजन है ब्लड ये एस्ट्रोसाइट्स उतना ही न्यूरॉन को देंगे न्यूरॉन को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजेंगे बट ब्लड कभी अंदर नहीं जाता है ब्लड गया तो पैरालिसिस हो जाएगा यस और नो एंड लास्ट है रेगुलेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक वॉट डू मीन बाई दिसमेशन आती है आंख में से मेरा विडियो दिख रहा है कान में से मेरी आवाज आ रही है ठीक है नाक में से तुम्हारा मम्मी क्या बना रही है पीछे उसका स्मेल आ रहा है दिमाग में वो भी चल रहा है की कौन सा पिक्चर देखू क्लास खत्म होते है आज पिक्चर देखूंगा राइट right? इतनी सारी इंफॉर्मेशन है तो उसको सेटल करना पड़ेगा ना ट्रैफिक सिग्नल चाहिए ना यस yes? तो ये ट्रैफिक सिग्नल कौन है एस्ट्रोसाइट है तो वो बोल रहे ओके okay, नाक को ले रुक कभी मम्मा खाना देगी अपने को ये पार्ट को बोल रहे हैं पिक्चर अभी नहीं देखना है क्लास के बाद सोचेंगे एंड ओनली इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द ब्रेन समझा क्या नहीं समझा कितने लोगों को नहीं समझा Yes. So it will make sure कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जानी चाहिए कौन सी इन्फॉर्मेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट ओके अभी मैं चेयर पे बैठी हूं ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्ट ब्रेन को जरूरी नहीं है हो गया ना एक बार बैठी हु तो बैठी हूँ हर दो मिनट में बताने का क्या मतलब है मनाली चेयर पे बैठी है मनाली चेयर पे बैठी है नहीं चाहिए तो वो सिग्नल क्या होगा ब्लॉक कर देंगे समझा यस yes. सो so, वो होता है तुम्हारा एस्ट्रोसाइड नेक्स्ट यस रविशा यस रविशा तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एपेंडाइमल सेल्स आर इंपॉर्टेंट ये क्या करते तुम्हें पता है आई होप यू नो दैट ब्रेन के अंदर uh, खड्डा है कैविटी है और उधर लिक्विड है सी एस एफ करके यस yes, फ्लूड है अंदर राइट right? सो so, ये फ्लूड बनाता कौन है ब्रेन का दिमाग आई नो यस आदेश आदेश हाँ फर्स्ट लेक्चर है तुझा ओके यस यस सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग तो यहां पे वेंट्रिकल्स जो है ना ब्रेन के यहाँ पे सेल्स होते हैं जो सी एस एफ बनाते हैं उनको बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यस कौन बनाता है कौन बनाता है एपेंडाइमल सेल्स अभी फालतू चीजें यस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल मतलब अपने हाथ के पैर के नर्व्स तो इसके ऊपर तुम्हारा माइलिन शीत बनाने का काम कौन करेगा श्वान सेल तो ये ना क्वेश्चन में एमसीक्यू में में आता है पेरिफेरल श्वान सेल और सेंट्रल में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दोनों भी ऑप्शंस देंगे एंड देन यू हैव टू चूज यस ओके नहीं समझा जैसे ब्रेन में ब्रेन uh, में माइलिन कौन बना रहा था ऑलिगोडेंड्रोसाइड बना रहा था बराबर ना? वैसे ही हाथ और पैर की नर्व में हु मेक द माइलिन श्वान सेल्स यस और नो यस सो माइलिन कौन बनाता है देखो हाँ समझा आई थिंक राइट ब्रेन में माइलिन बनाने का काम किसका है ओलिगो डेंड्रोसाइट्स का एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब अपने हाथ और पैर की जो नर्व्स है उधर कौन बनाता है श्वान सेल्स ओके दिमाग के ऊपर से जा रहा है किसी के ओके गाइस लास्ट स्लाइड नर्व्स कोई भी नर्व को अगर तुम देखोगे तो नर्व बेसिकली होती क्या पता है क्या एक्सॉन्स होते हैं फिर से एक छोटा सा न्यूरोन फिर एक्सॉन ऐसे बहुत सारे एग्जॉन्स को अपन नर्व बोलते हैं इज इट फाइन यस अगर ऐसे एक नर्व अपन कट करेंगे सैटेलाइट सेल ना I'll I'll tell you that don't री ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसके लिए मैंने उसको निकाल दिया बेसिकली जस्ट सपोर्ट दर्व सिर्फ पकड़ के रखते होल्ड करते हैं पढ़ायला नजू बाजू now nerve को अगर, अगर अपन कट करेंगे कोई भी नर्व उसकी बाहर की वॉल होगी एपी जैसे कल अपन ने एंडो एपी देखा सेम चीज है एपी नर्व के ऊपर है तो न्यूरियम ओके okay. फिर अंदर देखोगे तो थोड़े छोटे छोटे बंडल्स है इसको बोलेंगे पेरिन्यूरियम और इसके अंदर एक एक तुम्हारा नर्व है इसको बोले एक एक न्यूरो न्यूरॉन है इसको बोलेंगे एंडोन्यूरियम इज इट फाइन अगेन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सो डोंट वरी ओके आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या था बताओ क्या इंपॉर्टेंट था आज के इसमें हाइड्रा इंपॉर्टेंट था यस एंड न्यूरॉन इम्पोर्टेंट था ग्रैन्यूल इंपॉर्टेंट uh, था ओके ओके कोमल आई एक्सप्लेन और ऑलिगोड और श्वान सेल इंपॉर्टेंट है पूरे लेक्चर में से इतनी चीजें करनी ही करनी है ओके सी कोमल नर्व बेसिकली क्या होता है मेनी नर्व्स आर टुगेदर यस रविशा बहुत सारी नर्व एग्जोन टूगे आर टूगेदर एंड ऐसे ग्रुप ग्रुप में होती है ओके सो द होल नर्व उसका कवरिंग को बोलेंगे एपिन्यूरियम इन साइड दैट वी हैव स्मॉल स्मॉल बंडल्स कॉल्ड एंड नर्व का अलग अलग पार्ट होगा एंडोन्यूरियम हरेक एग्जॉन को बोलेंगे एंडोन्यूरियम Yes, no. yes. अभी मैं बताऊ क्या प्रीवियस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फटाफट यस yes. हाँ वो चलेगा ना वो बराबर चलेगा ठीक है एक मिनट ट्रेकिया ओके okay. एंड पूरा ही स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एल्वियोला का डायग्राम है देखो मेम्ब्रेन वाला पता है वो ऐसे तीन चीजें यस yes. उसके बाद इम्पोर्टेंट है तुम्हारा एक मिनट बोर्स इफेक्ट और हैमबर्गर इफेक्ट ये एक बार थोड़ा सा देख लो इंस्पीरेशन और एक्सपीरेशन का डिफरेंसेस देख लो हार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट करना ही है सिंगल और डबल सर्कुलेशन का डिफरेंस करो एंड एक मिनट ओपन एंड क्लोज का डिफरेंस करो कार्डियक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन और उसके स्टेप्स ECG, सी खत्म ये मेन है ट्रांसमिशन ऑफ CO2 तुम्हारा हैमबर्ग में आ गया ओके और हाँ आर्टरीज वेन्स वाला डिफरेंस समझाए क्या इफ यू वॉन्ट टेक अ स्क्रीन शॉट परफेक्ट यू कैन सॉल्व फ्रॉम देम एंड अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना तुमको तो ग्रुप मध्य टाक ओके Will help you there. Yes, guys. Did you all understand everything? Did you all learn something new? Did you all enjoy the class? Yes. So, kalapan synapse or transmission of nerve karenge, very important. Ye pakka question Then we will do brain, fish, spinal cord, peripheral nervous system. So, don't miss even a single class. Yes. इज प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स आज देम टू अटेंड सेकेंड थिंग यू कैन क्विज देम ऑन क्विज ऑन नाउ तो तुम्हारे फ्रेंड्स को क्वेश्चन भेज सकते हो एंड देन आज देम टू जॉइन एन आंसर ये एंड गिव फीडबैक क्या क्विज वो नहीं होता है क्या नहीं होता है ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं रुकती हूँ इधर किधर गया होता है होता है ट्राई करो एक बार होगा ओके ओके गाइस सो आई सी यू कल ये पढ़ के रखो मैं इसके बारे में शेयर करती लिख के आता है वापस ट्राई करो मैंने क्वेश्चंस डाले है एग्जाम्पल दी हूँ रविशा दिखता ही नहीं है ठीक है मैं ना ग्रुप में डालती हूँ uh mcq ta example manje okay 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 fine fine guys